अक्सर लोग रुपया कमाने के लिए बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं। रुपया कमाने के लिए पता नहीं लोग कौन कौन सा काम और धंधा के साथ ही व्यवसाय करने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन बिना कुछ किए अचानक अरबपति बन जाया जाए तो लोगों का क्या हाल होगा, यह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा ही एक मामला सेवराही तहसील के गहमर गाँव के सब्जी व्यवसायी के साथ हुआ है। सब्जी व्यवसायी का इन दिनों रातों रात अरबपति बनने से उसके रातों की नींद व दिन का चैन छिन गया है। पूरा मामला यह है कि गहमर गांव के एक सब्जी व्यवसायी विनोद रस्तोगी का होश उड़ गया जब आयकर विभाग से उसके पास टैक्स न जमा करने का नोटिस आ गया। पीड़ित जब विभाग पहुंचा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जब अधिकारियों ने बताया कि उसके खाते में 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 172,81,59,153 रुपया है। सब्जी व्यवसायी यह रुपया उसके न होने की बात कहते हुए थाने की चक्कर भी लगा रहा है। गहमर गांव के मैगर राय पट्टी निवासी विनोद रस्तोगी शुक्रवार को गहमर थाना पहुंचे और उसने बताया कि उसके आधार और पैन कार्ड का किसी ने दुरुपयोग कर खाता खोल लिया है और अब उसके खाते में एक बड़ी राशि चेक के माध्यम से जमा की गई है। जब आयकर विभाग के द्वारा मुझे टैक्स अदा करने की नोटिस आई है तो मुझे इस बात का जानकारी हुआ है कि मेरे दस्तावेज के साथ धोखाधड़ी कर खाता खुलवाया गया है। मेरा मामला यह है कि कोई आधार कार्ड पैन कार्ड हमारा कैसे ले लिया हमको मालूम नहीं, वो खाता कहीं खोल दिया है। उस खाते में आज के डेट में 172,81,59,153 रुपया उसमें मौजूद है। हमको मालूम हुआ नोटिस के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस आई तो हमको मालूम हुआ तो हमको हमर थाने में गए FIR करने के लिए, तो यहाँ FIR दर्ज नहीं हुआ, बल्कि हम रख दीजिए हम बाद में इसका हम बताएंगे। तो 1 घंटे के बाद फ़ोन किए कि क्राइम ऑफिस में चले जाइए। तो क्राइम ऑफिस में हम गाजीपुर गए, वहाँ पर भी आज बुलाया गया।